सूरत के चौटा बाजार में अतिक्रमण हटाने गए मनपा कर्मचारियों पर दुकानदारों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक डिप्टी इंजीनियर और दो मार्शल घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अठवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उपद्रव करने वाले दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक मनपा की टीम चौटा बाजार में एक बड़े अतिक्रमण को हटाने गई थी। मनपा कर्मी अवैध निर्माण पर लोहे का सरिया काट रहे थे, तभी उसमें से एक निकली एक चिंगारी से पास में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगते ही दुकानदार और स्थानीय लोग भड़क गए और पथराव करने लगे। हमले में एक डिप्टी इंजीनियर और दो मार्शल घायल हो गए। ज्ञातव्य है कि सेंट्रल जोन में पिछले एक हफ्ते से अतिक्रमण हटाने का बाहियां चल रहा है और गुरुवार को सेंट्रल जोन के अधिकारी ने चौटा बाजार में बरसों पुराने अतिक्रमण को हटा रहे थे। अतिक्रमण की वजह से चौटा बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को एक कार्यपालक इंजीनियर, 4 डिप्टी इंजीनियर, 14 जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, 11 सुपरवाइजर, 70 और बेलदार, 11 और 2 ट्रक जीप और मार्शल अतिक्रमण हटाने गए थे। નુકસાન થયું હવે નુકસાન તો સ્વાભાવિક થાય તો ખરું ને આ 8માં જ મને ખાલી 80-90 હજાર નું નુકસાન થયું છે તો પાલિકા અધિકારીઓને જે કામગીરી જેવી છે શું કહેશો એમ હવે સાહેબ એમને બી ઉપર દબાણ હશે ઉપર એમની પાસે પણ દબાણ હશે એટલે થઈ શકે બાકી હવે એમને બી કંઈ મગજથી ઇન્ટેન્શન એવું નહીં કે હું એમનો માલ બળી કાઢું કે મને નુકસાન રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સુરત